फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कल्कि को लेकर दो बड़ी अपडेट हैं। जहां बात करें इसके पहले अपडेट की तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि कल्कि के मेकर्स इस फिल्म का प्रमोशन मार्च 2024 से स्टार्ट करने वाले है, जहाँ कहा जा रहा है की 8 मार्च 2024 को इस फिल्म से एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें इसके दूसरे अपडेट की तो जब कल्कि के एडिटर से एक सवाल पूछा गया कि क्या प्रभास की फिल्म कल्कि में हमें एक अच्छा वीएफएक्स देखने को मिलेगा या नहीं, तो कल्कि के एडिटर विशाल कुमार ने जवाब देते हुए बताया कि वो कल्कि के वीएफएक्स के ऊपर कई सालों से काम कर रहे हैं और वो ऑडियंस से प्रॉमिस कर सकते हैं कि उन्हें इस फिल्म में हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स और अवतार जैसा वीएफएक्स देखने को मिलेगा, ना कि बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष जैसा। तो देखना होगा कि क्या कल्कि के एडिटर विशाल कुमार की बात सच होती है या फिर से ऑडियंस को एक बार आदिपुरुष के जैसा ही वीएफएक्स देखने को मिलेगा। आपको बता दें डायरेक्टर नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म हमें 9 मई 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रभास और उनकी आने वाली फिल्म कल्कि 2898 एडी के बारे में? What is Project K? धनुष की आने वाली अनटाइटल फिल्म D50 से मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि D50 का फर्स्ट लुक हमें 19 फरवरी 2024 को देखने को मिलेगा। आपको बता दें D50 एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे खुद धनुष ने डायरेक्ट किया है और ये धनुष के डायरेक्शन में बनी दूसरी फिल्म होने वाली है। इससे पहले धनुष ने 2017 में आई फिल्म पा पांडी को डायरेक्ट किया था जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। तो वहीं इस फिल्म को खुद धनुष ही डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमें धनुष के साथ नित्या मेनन, SJ सूर्या, संदीप किशन और कालिदास जयराम जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। अभी तक इस फिल्म के रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है पर कहा जा रहा है कि धनुष की ये फिल्म हमें 2024 के फर्स्ट हाफ में ही सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 को लेकर एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें अपडेट ये है कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के दौरान अल्लू अर्जुन ने बताया है कि वो और पुष्पा के मेकर पुष्पा को एक फिल्म फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं जिसको लेकर मेकर्स के पास कई सारे आइडियाज हैं और वो आने वाले समय में पुष्पा को फ्रेंचाइज के रूप बनाने का काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अल्लू अर्जुन की ये फिल्म हमें दो पार्ट में नहीं बल्कि और भी कई सारे पार्ट में देखने को मिल सकती है। आपको बता दें अभी पुष्पा 2 के मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग जापान में कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की पूरी शूटिंग लगभग आने वाले 1-2 महीनों में कम्प्लीट कर लेंगे और उसके बाद मेकर्स इसके पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे और फिर कहीं जाकर अल्लू अर्जुन की ये फिल्म हमें 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा के मेकर्स को पुष्पा के सिर्फ दो पार्ट को ही बनाना चाहिए या इसको एक फिल्म फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर देना चाहिए? अब रोल पुष्पा का। अनन गान के मेकर्स ने यह पोस्ट डालते हुए बताया है कि इस फिल्म का टीजर हमें 19 फरवरी को देखने को मिलेगा। आपको बता दें वनन गान एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर बाला ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें अरुण विजय के साथ रोशनी प्रकाश लीड रोल में देखने को मिलेंगी। आपको शायद ही पता हो डायरेक्टर बाला पहले इस फिल्म को एक्टर सूर्या के साथ बनाने वाले थे और सूर्या को लेकर इसके फर्स्ट लुक को भी रिवील कर दिया गया था पर मेकर्स और एक्टर के बीच कोई प्रॉब्लम होने के कारण इस फिल्म को करने से सूर्या ने मना कर दिया और फिर कहीं जाकर डायरेक्टर बाला ने इस फिल्म को अरुण विजय के साथ कंप्लीट किया। अभी तक इस फिल्म के रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है पर कहा जा रहा है कि ये फिल्म हमें 2024 में ही देखने को मिलेगी। अजय देवगन की आने वाली फिल्म शैतान के ट्रेलर को CBFC बोर्ड द्वारा UA का सर्टिफिकेट दिया गया है और वहीं इस ट्रेलर का रन टाइम 2 मिनट 29 सेकंड का होने वाला है। अभी तक इसके ट्रेलर रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है पर कहा जा रहा है कि शैतान का ट्रेलर हमें फरवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें शैतान एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर विकास बहल ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ ज्योतिका आर माधवन और जानकी बोधीवाला लीड रोल में देखने को मिलेंगी और अजय देवगन की ये फिल्म हमें 8 मार्च 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। आपको बता दें अजय देवगन की ये फिल्म 2023 में आई गुजराती फिल्म वस की ऑफिशियल रीमेक है। तो देखना होगा कि अजय देवगन की इस रीमेक फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स कैसा होता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया इसने अपने रिलीज के 8वें दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2,85,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ इस फिल्म ने 8 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 47,20,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन और 56,65,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है और वहीं इस फिल्म ने 8 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ इस फिल्म ने 8 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 85,65,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि शाहिद कपूर की
जेसन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इसका लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। और वहीं बात करें मम्मूटी की फिल्म ब्रह्मयुगम की, तो मम्मूटी की इस फिल्म को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म ने 2 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5,45,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन और 6,55,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है। और वहीं इस फिल्म ने 2 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 6,45,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ मम्मूटी की इस फिल्म ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। आपको बता दें इस फिल्म को लगभग 27.5 करोड़ के बजट में बनाया गया है, तो देखना होगा कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। वैसे क्या आपने इस फिल्म को देख लिया है, और अगर देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। सुनो, ये ब्रह्म युग है, इस काल में भक्ति और संस्कार निरर्थक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।